लंदन में जेम्स नाम का एक आदमी रहता था। छोटी उम्र से ही जेम्स के पास ज्ञान, नॉलेज के लिए कभी न मिटने वाली प्यास, इफेक्टिव होने और जीवन में जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता थी। वह समझ गए थे कि सफलता भाग्य, लक की बात नहीं है, बल्कि मेहनत के साथ किए गए कामों और कंसिस्टेंसी से मिलती है। जेम्स ने अपने लिए क्लियर लक्ष्य सेट करके अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन बनने और समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का सपना देखा था। अटूट फोकस के साथ उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी स्टेप्स की आउटलाइन तैयार करते हुए एक डिटेल्ड प्लान बनाया। जैसे जैसे जेम्स आगे बढ़े, उन्हें कई अड़चनों और असफलताओं का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और सेल्फ डाउट ने उनके निर्णय का इम्तिहान लिया। हालांकि उन्होंने निराश होने से इनकार किया। जेम्स ने हर एक चुनौती को ग्रोथ और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने अपनी असफलताओं का विश्लेषण किया, अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट किया और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहे। अपनी प्रभावशीलता को मैक्सिमाइज करने के लिए जेम्स ने कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाया। उन्होंने बहुत पढ़ना शुरू किया, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में हिस्सा लिया और उन उपदेशकों, मेंटोर्स की तलाश की जो सलाह और सहायता कर सके। जेम्स समझ गए थे कि ज्ञान एक पावरफुल टूल है जो उन्हें आगे बढ़ा सकता है और नई अवसरों को अनलॉक कर सकता है। अपनी मेहनत की वजह से जेम्स को परिणाम मिलने लगे। उन्होंने सक्सेसफुली अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सफल रहे। जेम्स की कहानी कई आकांक्षी उद्यमी, एस्पायरिंग एंटरप्रेनर्स और सफलता के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। उनकी जर्नी ने क्लियर गोल्स सेट करने, चुनौतियों को स्वीकार करने, लगातार सीखने, दृढ़ता और सपोर्टिव नेटवर्क बनाने की ताकत के इम्पोर्टेंस पर रोशनी डाली। अपने उदाहरण के माध्यम से जेम्स ने यह बताया कि पैशन, डिटर्मिनेशन और अपने आप में एक अटूट विश्वास के साथ कोई भी इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल बन सकता है और जीवन में जीत हासिल कर सकता है। अगर आप भी जीवन में इफेक्टिव, इन्फ्लुएंशियल और सफल बनना चाहते हैं तो आज की यह किताब आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कैसे जीते और प्रभावशाली बने, जिसे संतोष कुमार ने लिखा है, किताब में बताया गया है कि आप अपनी जिंदगी में कैसे एक प्रभावशाली और सफल इंसान बन सकते हैं। यह किताब आपके मानसिकता माइंडसेट को बदलेगी और कुछ नया सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करेगी। इस किताब में बताई गई प्रैक्टिसेस को अगर आप जीवन में अमल करना शुरू कर दें तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर पाएंगे। इस किताब को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने इसे 7 अध्यायों में बांटा है। आइए उन सभी अध्यायों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपकी मानसिकता माइंडसेट। सफलता की शुरुआत मानसिकता से होती है। मानसिकता का नियम है कि आप अपने मन में अपने लक्ष्य टारगेट की एक तस्वीर बनाएं ताकि आप जो बनना चाहते हैं धीरे धीरे वैसे इंसान बनने लगे। जिस तरीके का इंसान आप बनना चाहते हैं उस तरीके के विचार अपने दिमाग में डालें ताकि आपका अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड बार बार याद दिलाता रहे कि आप कहां जाना चाहते हैं। एक सफल इंसान हमेशा अपने अवचेतन मन की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हमारे पास सबसे शक्तिशाली चीज हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, इसलिए उसे सही तरह से इस्तेमाल करना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जिस तरह शरीर को अच्छे खाने की जरूरत होती है उसी तरह दिमाग को भी अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर आप पूरा दिन अपने बारे में सिर्फ नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे, जैसे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन भी वैसा ही होता जाएगा और आपको लगेगा कि सच में आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो अवचेतन मन को लगता है कि आप सच में अच्छा कर सकते हैं।
हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी थिंकिंग लैंग्वेज बन जाती है। जब आप अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं तो अवचेतन मन की भाषा यानी हमारी थिंकिंग लैंग्वेज अच्छी होगी और लैंग्वेज से ही हमारे विचार बनते हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह जान ही नहीं पाते कि वह एक ही जगह पर क्यों फंसे हुए हैं, वह अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसका सिर्फ एकमात्र कारण है, वह है उनकी मानसिकता। आप वही बन जाते हैं जैसा मानसिकता रखते हैं। हम जो बोलते और जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, अवचेतन मन उसे ही सच मानता है। इसलिए मनचाही चीजों को सच मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि आज आपको लगता हो कि इतनी बड़ी चीज मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा या फिर इतना बड़ा घर कभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जब आप उस चीज पर विश्वास करते हैं तो ये अवचेतन मन में बैठ जाएगी और आपको विश्वास होने लगेगा कि मैं सच में कर सकता हूं। आपको अपनी भाषा पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं अवचेतन मन उसे ही स्वीकार कर लेता है। इसलिए उन्हीं चीजों के बारे में सोचें और बात करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं, उनके बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। आप कभी भी अपने लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जो नेगेटिव साउंड करती हो, जैसे मैं यह काम नहीं कर सकता या फिर मैं यह चीज नहीं ले सकता। उसके बजाय आप खुद से पूछिए कि मैं यह काम कैसे कर सकता हूं या मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूं। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे तो खुद ही जवाब मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, खुद से कभी सवाल पूछते ही नहीं। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमारी जिंदगी में एक फ्लो चार्ट होता है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो किसी भी चीज को हासिल करने के मौके बहुत % बढ़ जाते हैं। फ्लो चार्ट में यह बातें शामिल हैं: सेल्फ टॉकिंग के दौरान अच्छे सकारात्मक शब्द को चुनना, सोचना, मानसिकता, खुद से बात, कार्य एक्शन, परिणाम मिलना। फ्लो चार्ट में सबसे पहले अच्छे सकारात्मक शब्द को चुनना है, यानी अगर आप अपने लिए अच्छे और सकारात्मक शब्द को चुनते हैं तो वह आपके अवचेतन मन को बताते हैं कि आपकी सोच सकारात्मक है। उसके बाद उन शब्दों से आपके विचार बनने शुरू होते हैं। जब बहुत सारे अच्छे विचार बन जाते हैं तो वह एक मानसिकता का रूप ले लेते हैं। इसके बाद अपनी सकारात्मक मानसिकता के अनुसार हम खुद से बात करना शुरू करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, आप दुनिया में हर चीज को हासिल कर सकते हैं। खुद से हुई सकारात्मक बातों से हम अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं ताकि मिलने वाले परिणाम हमारे फेवर में आ सकें। अध्याय 2, सफलता और असफलता। आप चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, चाहे कितने भी सेमिनार ले ले या फिर चाहे कितने भी कोर्स कर ले, एक समय के बाद इन सभी चीजों का मोटिवेशन कम पड़ने लग जाता है और लोग डिमोटिवेट होकर दोबारा बैठ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सब वह चीजें हैं जो बाहर से प्रेरणा मोटिवेशन देती है, अंदर से खुद को बदलने की प्रेरणा नहीं आने का मतलब है आपने अभी तक खुद से रिटन प्रॉमिस यानी लिखित वादा नहीं किया है। इसका मतलब है कि अब तक आपने सभी की बातें सुनी है लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिखा है, जिसकी वजह से आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को यह क्लियर नहीं हो पाया है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक खाली पेज लेना है और जीवन में आप जितनी भी चीजों को करना चाहते हैं उनको पेज पर लिखना है। हमारा दिमाग सारी बातें समझ तो लेता है लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही जल्दी भूल जाता है, इसलिए उसको बार बार याद दिलाना बहुत जरूरी है। इसका सबसे तेज और सही तरीका है अपने आप से एक रिटन प्रॉमिस करें, यानी अपने लक्ष्यों को लिख लें ताकि आप हर दिन पढ़कर याद कर सकें। लक्ष्य इस तरह हो सकते हैं, जैसे आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, किसी जगह पर घूमना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं। इस तरह जो भी आप चाहते हैं
उसे पेज पर लिखें और आज की तारीख के साथ उस तारीख को डालें जब इसे हासिल करने वाले हैं। अब इस पेज को ऐसी जगह चिपकाएं जहां पर आपकी नजर हर समय जाए, ताकि आप अपने लक्ष्य को कभी ना भूलें और उसके लिए लगातार मेहनत करते रहे। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक सफल लोग और दूसरे असफल लोग। सफल वही इंसान होते हैं जो अपने काम को कभी भी नहीं टालते और हर दिन अपने काम के लिए मेहनत करते रहते हैं। जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसे पाकर ही छोड़ते हैं। वहीं असफल लोग वह होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपनी असफल आदतों के कारण कुछ भी नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमें बनाती है और बिगाड़ती भी है। अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। आपके लिए आपके काम से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप अपनी जिंदगी में जहां होने चाहिए थे, क्या आप वहां पर है? अगर नहीं है तो अभी आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट की जरूरत है, एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने की जरूरत है जहां अपने आप को पूरी तरह से बदल कर बेहतर इंसान बनने के लिए सफल आदतें अपनानी है। अध्याय 3, आदतों के असर। आदत एक अभ्यास प्रैक्टिस है जो रोज की जानी चाहिए। आदत अपने आप विकसित डिवेलप होने वाली अभ्यास है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी विकसित होती है और एक दिन मजबूत बन जाती है। जिस तरह मानसिकता या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक, उसी तरह आदत या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। हमारी पूरी जिंदगी आदतों से मिलकर ही बनती है। आपको लगता होगा कि हम दिन भर जितने भी निर्णय लेते हैं वह सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन असल में वह हमारी आदतों का ही परिणाम होते हैं। हम पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं, कितनी देर आराम करते हैं, यह सब हमारी आदतों का परिणाम ही है। जब आप अपने विचारों और काम से जुड़ी आदतों को नियमित आधार रेगुलर बेसिस पर हर दिन करते हैं, वह स्केड्यूल बन जाती है। आदतें शुरुआत में तो छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह बहुत बड़ा प्रभाव सृजन क्रिएट करने लगती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, स्वास्थ्य और लोगों के साथ हमारे रिश्तों पर अपना असर छोड़ने लगती हैं। लोग दिन भर जितना काम करते हैं उसमें से 60% काम उनके सचेत कॉन्शियस निर्णयों से नहीं बल्कि रोज की आदतों से लिए जाते हैं। अगर आप अपने अंदर अच्छी आदतें विकसित कर ले तो डेली डिसीजंस को अपने फेवर में ले सकते हैं। आपको अपने बड़े लक्ष्य के लिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि जब आप हर दिन उस काम में बेहतर होते जाएंगे तो साल में 37% से ज्यादा बेहतर बनकर एक दिन उस काम में महारत हासिल कर सकते हैं। और इसके विपरीत अपोजिट, अगर हर दिन बेकार होते हैं तो बहुत जल्दी बर्बाद हो सकते हैं। अच्छी आदत आत्म सुधार सेल्फ इम्प्रूवमेंट का काम करती है, वहीं बुरी आदत व्यक्तित्व पर्सनालिटी को खराब करने का काम करती है। भले ही शुरुआत में आपको अपनी आदतों का प्रभाव ना दिखाई दे, लेकिन कुछ महीनों या सालों के बाद इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब तक हम समझ चुके हैं कि आदतें हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। अब आप जानेंगे कि अपने लिए सफल आदतें कैसे बना सकते हैं। सफल आदतें बनाने के लिए सबसे पहले अपने पूरे दिन की दिनचर्या बना ले और दिनचर्या बनाने से पहले 3 बातों का ध्यान रखें। इन्हें सबसे ऊपर लिखें। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? आप अपने लिए किस तरह का दिनचर्या बनाना चाहते हैं? आप अपने लिए किस तरह की पहचान चाहते हैं? इसे पढ़ते हुए अपने आप से बोले कि ऐसा इंसान बनने के लिए मैं इस दिनचर्या रूटीन को बिना टाले हर दिन फॉलो करूंगा या करूंगी। हर दिन के आने वाले चुनौतियों चैलेंजेस का डटकर सामना करें। एक आइडियल डेली रूटीन कुछ इस तरह का होता है। आपका काम 8 घंटे, नींद 8 घंटे, अपने लक्ष्य के लिए ज्ञान लेना 2 घंटे, व्यायाम 2 घंटे, मनोरंजन एंटरटेनमेंट 2 घंटे, अप्रत्याशित काम अनएक्सपेक्टेड वर्क 2 घंटे,
अगर आपको दिनचर्या बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप शुरुआती दिनों में इस दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने समय के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सफल आदतों को अपनाने के लिए सही कदम उठाने से सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि छोटी कंपनी या बड़ा बिजनेस भी सफल बन सकता है। सफल आदत विकसित करने के लिए जरूरी गतिविधि एक्टिविटी के लिए समय तय करना बहुत जरूरी है। अगर आप समय तय नहीं करेंगे तो गतिविधि कभी समय पर नहीं हो पाएगी। वहीं अगर आप समय तय करते हैं तो उस काम को अनुशासन डिसिप्लिन के साथ पूरा कर पाएंगे। इस काम को आसान करने के लिए आप अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हैं। वर्तमान समय का लक्ष्य, आज का लक्ष्य, इस हफ्ते का लक्ष्य, इस महीने का लक्ष्य, इस साल का लक्ष्य, अगले 5 सालों का लक्ष्य। अब इस लिस्ट को उल्टा पढ़िए और तय करें कि आपको अगले 5 सालों में क्या करना है। 5 सालों का काम तय करने के बाद तय करें कि इन 5 सालों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1 साल में क्या करना होगा। उसी तरह इस साल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर महीने के जरूरी टास्क को लिखें और हर महीने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर हफ्ते के जरूरी छोटे छोटे लक्ष्यों को लिखें, फिर उसके लिए हर दिन के जरूरी टास्क को तय करें। ऐसा करने से व्याकुलता डिस्ट्रैक्शन कम होगा और आप अपने काम को फोकस से कर सकते हैं। दिन के लक्ष्य सेट करने के बाद आपको तय करना है कि उन्हें पूरा करने के लिए डेली रूटीन कैसा होगा। इसी के साथ सफल आदतों को आकर्षित अट्रैक्टिव बनाएं। इसके लिए सफल गतिविधि को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करें। जैसे हर दिन नई नई व्यायाम करें जिससे आपको नए चुनौतियां मिलेंगे और वह आदत अपने आप ही आकर्षित बन जाएगी। अध्याय 4, एक शांतिपूर्ण पीसफुल इंसान बने। पीसफुल मानसिकता इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। एक बार जब आप अपने अंदर देख लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो बाहरी दुनिया का सामना करना बहुत आसान हो जाता है। इस दुनिया में आपको दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। जब हम पीसफुल मानसिकता से दुनिया को देखते हैं तो सकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। तब हमें समझ आता है कि अपने ऊपर काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे हम आज में जीना सीखते हैं। आज में जीने का असल मतलब होता है जो काम कर रहे हैं उस काम को आनंद से करना। आप उस काम का आनंद तभी ले सकते हैं जब उससे भविष्य अच्छा हो रहा हो। उदाहरण के लिए पूरा दिन सोना और आराम करना सभी को पसंद है। इस काम को करते हुए बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसे आज में जीना नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको करते वक्त मन में यह पछतावा है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं और इससे मेरा भविष्य बेहतर नहीं बन रहा है। वहीं जो इंसान सुबह समय पर उठकर व्यायाम कर रहा है वह खुश है क्योंकि उसका भविष्य अच्छा हो रहा है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने अतीत या फिर भविष्य के बारे में सोचकर जी रहे हैं। वह अपने आज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हम एक पीसफुल मानसिकता से जीते हैं तो बहुत सारी अवसरें दिखने लगती हैं। एक पीसफुल माइंड अवसरों के बहुत सारे रास्ते खोल देती है क्योंकि जब दिमाग पीसफुल है तभी आज को देखने की क्षमता आती है। पीसफुल माइंड के साथ अपनी आदतों के बारे में समझ बढ़ती है। आभारी थैंकफुल होना यानी कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड जिंदगी का हिस्सा बनने लगते हैं। सुंदरता ग्रेटफुलनेस को अपनाने से जिंदगी में हर चुनौती पार करना आसान है। सुंदरता का मतलब है ईश्वर को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद बोलना जो आपके पास है। लेखक कहते हैं कि जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है उनके प्रभावशाली इंसान बनने की संभावना कम होती है। दुनिया के महान लोगों ने सुंदरता के साथ कमाल किया है क्योंकि वह जानते थे कि सुंदरता ही एक ऐसी चीज है जो उन्हें लोगों के साथ जोड़े रखती है। वह लोगों की तकलीफ समझ पाते हैं और खुद को डाउन टू अर्थ रख पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने लक्ष्यों के लिए काम करना छोड़ दें।
सुंदरता का मतलब है हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास जो है वह पर्याप्त है और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा भूखा रहना चाहिए। यही सफल जिंदगी की कुंजी की है। अध्याय 5, एक प्रोएक्टिव इंसान बने। जीने की समझ ही हमें आज में जीना सिखाती है। समझ ही ज्ञान और अज्ञान के बीच फर्क करना सिखाती है। समझ ही सफल आदतों को विकसित करके जीवन में आगे बढ़ाती है। यह समझ जीवन में ज्यादातर समस्याओं का समाधान भी करती है। हम सब अपनी जिंदगी के लिए 100% खुद जिम्मेदार हैं। आपके अलावा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको बदल सकता है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतनी जल्दी अपने जीवन की जिम्मेदारी 100% खुद लेना सीख जाएंगे। दूसरों को अपने हिसाब से चलाने का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दें, क्योंकि दुनिया में सभी अपने अनुसार चलना चाहते हैं। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो वह है खुद को बदलना। आप खुद को अपने हिसाब से बदल सकते हैं और बाकी लोग आपको देखकर खुद ब खुद बदल जाएंगे। बस उसके लिए आपका प्रभावशाली इंसान होना जरूरी है। अपने आप को इस तरीके से विकसित करें कि आपके सामने कोई भी हालात आ जाए उसका डटकर सामना करेंगे। इन सब कामों को करने के लिए आपको एक प्रोएक्टिव यानी ऐसा इंसान बनना होगा जो हमेशा एक्टिव हो, अपने लक्ष्यों के किसी भी काम को लेकर कभी भी आलस ना करें। प्रभावशाली इंसान बनने के लिए एक अच्छे लीडर की क्वालिटी अपने अंदर लानी होगी, और यह तभी हो पाएगा जब आपका अपने ऊपर पूरा 100% नियंत्रण होगा। प्रोएक्टिव इंसान जागरूक अवेयर होते हैं। वो बस ऐसे ही प्रतिक्रिया रिएक्ट देने के बजाय सोच समझकर जवाब रिस्पॉन्स देते हैं। प्रोएक्टिव लोग किसी काम को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों देखते हैं, उसके बाद में काम को शुरू करते हैं। उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह काम पूरा न हो जाए। स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसे अच्छा करने के लिए पहला कदम उठाना हमारे हाथ में ही होता है, और यह पहला कदम अक्सर प्रोएक्टिव लोगों का ही होता है। आपने नोटिस किया होगा जिस समाज में आप रहते हैं, जब कभी वहां कोई घटना हो जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फटाफट पुलिस को बुलाते हैं, फायर को बुलाते हैं, और जो भी उस समाधान के लिए जरूरी है वह सब करते हैं। सबसे पहले वह कदम उठाते हैं, यही वो प्रोएक्टिव लोग हैं। परेशानी के समय बाकी लोग जब कुछ नहीं करते तब पहला कदम इसी तरह के लोग उठाते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी कल्पना के जरिए अपने सपनों को आकार देते हैं। वह हमेशा उस तस्वीर की कल्पना करते हैं जहां जीवन में पहुंचना चाहते हैं। कल्पना के बाद वह ज्यादा प्रेरणा मोटिवेशन और फोकस से अपने काम को कर पाते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी कल्पना में प्रभावशाली इंसान होते हैं, इसलिए वह हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। मेहनत कर अपनी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं। प्रोएक्टिव लोग सफल और प्रभावशाली इसलिए होते हैं क्योंकि वह सबसे पहले अपनी कल्पना में सफल होते हैं और फिर अपनी कल्पना को हकीकत में बदल देते हैं। वह जानते हैं कि अगर आप अपनी कल्पना में एक सफल और प्रभावशाली इंसान है तो असल जिंदगी में भी वह इंसान बन सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी कल्पना में माहिर होते हैं। वह अपनी जीत का जश्न पहले ही मना चुके होते हैं, इसलिए वह हर स्थिति में अपने भाग्य को अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको पता है हर मोड़ पर क्या करना है। क्या आप अपनी कल्पना में अपने आप को एक सफल और प्रभावशाली इंसान देख पा रहे हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो हकीकत में भी आप एक सफल और प्रभावशाली इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर इसका जवाब ना है तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपके विचार ही आपको बनाते हैं। अगर आप अपनी कल्पना में विजेता है तो असल जिंदगी में भी विजेता बन जाएंगे, इसलिए सफल विचारों को सोचना बहुत जरूरी है। सफल विचारों के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जो जिंदगी में सफल होने के लिए उत्साहित मोटिवेट करें। इसके अलावा मूवी देख सकते हैं या अपनी फील्ड से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हैं
जो आपको अपनी फील्ड में सफल होने के लिए उत्साहित करें। याद रहे, आपको वही चीजें देखनी है जो आपके काम की है और आपको उत्साहित करती हैं। प्रोएक्टिव लोग सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करते हैं और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट पर बहुत अच्छी पकड़ बनाकर रखते हैं। प्रोएक्टिव लोगों की तरह समय प्रबंधन के लिए रात में सोने से पहले अपने अगले दिन का दिनचर्या बना लें। सुबह उठते ही आपका काम सिर्फ उसको फॉलो करना है। ऐसा करने से आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और फोकस होकर आप अपने काम को फटाफट पूरा कर सकते हैं। अध्याय 6, एक प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल इंसान बने। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। आप अपनी जिंदगी और अपने समय पर अपना 100% नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने समय को सही तरीके से प्रबंध मैनेज करना होगा। इसका सबसे पहला तरीका है जरूरी काम को सबसे पहले करना। उससे भी जरूरी यह है कि पता कैसे चलेगा आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए कस्टमर के फायदे और कंपनी के प्रॉफिट के लिए किए गए निर्णय उन्हें इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। बाकी काम अपने कर्मचारी एम्प्लॉयर में बांट दें। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आपके बॉस का दिया हुआ काम सबसे जरूरी काम है और इसको सबसे पहले करें। उसके बाद अपने निजी पर्सनल काम को करें, क्योंकि आपकी जॉब ही आपको आगे बढ़ाएगी। जब आप सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना सीख जाते हैं, तो सफलता की कोई सीमा नहीं बचती। ये स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस और परिणाम को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और जो सफलता आप अगले 5 साल में पाने की सोच रहे थे, हो सकता है वह अगले 2 साल में ही मिल जाए। सीखना और सीखी हुई बातों को अमल करने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हम में से ज्यादातर लोग जोश में आकर बहुत किताबें पढ़ने लगते हैं और उससे उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उन सीखी हुई चीजों को अपने जीवन में अमल इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि पढ़ना एक आसान काम है, लेकिन उन चीजों को अपनी असल जिंदगी में उतारना और उसको लगातार फॉलो करना एक चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग काम है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते। लेकिन जो लोग इस चीज को फॉलो कर लेते हैं, वह जिंदगी में दूसरों लोगों से आगे निकल जाते हैं।